गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर, लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड EE308 थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है पावर सिस्टम थर्ड, उसका चैप्टर 9 है कोरोना इफेक्ट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोरोना इफेक्ट क्या होता है? जो कोरोना इफेक्ट होता है मोस्टली क्या होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो कोरोना मोस्टली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में लाइटनिंग और स्विचिंग सर्ज की वजह से होता है कि जब हमारे हाई वोल्टेज पर जो कंडक्टर के जो अराउंड की जो एयर है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। जब हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो हाई वोल्टेज में ऑपरेट होती है, इस हाई वोल्टेज के कारण कंडक्टर के जो आसपास की जो एयर है, जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है कंडक्टर के चारों तरफ। वो इस हाई वोल्टेज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसके कारण एक पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन आ जाती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब वेरिएशन इन वोल्टेज में को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि जो कंडक्टर के बीच में जो एयर होती है जो कि एक डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, डाइलेक्ट्रिक का काम करती है, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर कितनी होती है, 30 kV/cm, मतलब होता है कि एयर के अंदर 1 cm में 30 kV से ज़्यादा वोल्टेज पास होता है तो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे एयर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। फाइनली क्या है कि जब ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज पर काम कर रही होती है तो इस हाई वोल्टेज के कारण कंडक्टर के चारों तरफ की जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से एक हिसिंग नॉइस विद वॉयलेट ग्लो दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना इफेक्ट कहते हैं, जिससे कि कंडक्टर में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और कंडक्टर के चारों तरफ एक वॉयलेट ग्लो उत्पन्न हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोरोना इज अक्यूम्प्लेस्ड बाय, फर्स्ट है वॉयलेट हिसिंग डिस्चार्ज इन डार्कनेस, सेकंड ऑप्शन है हिसिंग साउंड एंड पावर लॉस, थर्ड है वाइब्रेशन एंड रेडियो इंटरफेरेंस, और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो कोरोना की वजह से क्या होता है, सारी चीज़ होती हैं, वॉलेट ग्लो भी दिखता है, हिसिंग साउंड भी आती है, जो कंडक्टर अपने वाइब्रेट करते हैं, और रेडियो इंटरफेरेंस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कोरोना, कोरोना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। कोरोना टेक प्लेस एट वोल्टेज लोअर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, बी ऑप्शन है कोरोना टेक प्लेस एट वोल्टेज हायर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, कोरोना इज अ करंट फिनोमेना, कोरोना इंक्रीज द ट्रांसमिशन इफिशियंसी। तो इसका आंसर है कि कोरोना टेक प्लेस एट वोल्टेज लोअर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि ब्रेक डाउन वोल्टेज से जो कम वोल्टेज पर होता है वो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। कोरोना टेक्स प्लेस अ वोल्टेज लोअर देन ब्रेक डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट ड्रॉ बाय द लाइन ओमिंग टू कोरोना लॉस, कोरोना लॉस की वजह से जो अपना जो करंट होता है वो साइनसोइडल नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है कंडक्टर में, जो इसके जो डिफरेंसेस है करंट वोल्टेज का वो प्रॉपर साइनसोइडल नहीं आके क्या होता है, नॉन साइनसोइडल आता है। तो करंट की कोरोना लॉस की टाइम जो करंट की जो वेवफॉर्म होती है, करंट ड्रॉन बाय द लाइन, वो होता है नॉन साइनसोइडल होता है। नेक्स्ट है, टू रिड्यूस कोरोना इफेक्ट यूजली, तो कोरोना इफेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके अलग अलग सारे मेथड्स हैं, वो एक बार मैं तुमको बता देती हूँ, फिर अपन न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए कोरोना इफेक्ट को दूर करने के लिए। कोरोना के कारण ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, जिससे कि कोरोना इफेक्ट को कम करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। तो कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए फर्स्ट जो हम ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं हम स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, दो कंडक्टरों के बीच की दूरी को बढ़ा के हम कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन जब हम दो कंडक्टरों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो टावर बढ़ते हैं, टावर की कॉस्ट बढ़ती है, जिससे कि यह हम इस मेथड को यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसमें हम लिखते हैं कंडक्टर का डायमीटर, अगर हम कंडक्टर का डायमीटर मतलब उसकी मोटाई, कंडक्टर की मोटाई बढ़ा देते हैं तो कोरोना लॉस हमारा कम हो जाता है। तो डायमीटर हम किस किस के थ्रू बढ़ा सकते हैं, होलो कंडक्टर के थ्रू बढ़ा सकते हैं, बंडल कंडक्टर्स के थ्रू बढ़ा सकते हैं। होलो कंडक्टर अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, बंडल कंडक्टर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के करते हैं, और ACSR कंडक्टर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं।
अब इसमें है टू रिड्यूस कोरोना इफेक्ट। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर इज रिड्यूस, गलत है। रिड्यूस नहीं करते, दो कंडक्टरों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए। ऑप्शन ए है नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है कंडक्टर डायमीटर इज रिड्यूस, ये भी गलत है। बंडल कंडक्टर आर यूज, हाँ बंडल कंडक्टर का हम यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर आर यूज, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या होता है? बंडल कंडक्टर में क्या होता है, दो और दो से अधिक स्टैंडर्ड कंडक्टर को हम पर पेज में यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या करते हैं, वो एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन बंडल कंडक्टर एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो दो या दो से चार स्टैंडर्ड कंडक्टर को लेकर ही हम बंडल कंडक्टर बनाते हैं। तो बंडल कंडक्टर क्या होते हैं, पर फेज में दो या दो से अधिक कंडक्टर को हम बंडल कंडक्टर कहते हैं। उससे क्या होता है, अपना इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाता है। डायमीटर बढ़ जाएगा तो हमारा टोटल इंडक्टेंस कम हो जाता है। इंडक्टेंस कम होने की वजह से हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है। पी मैक्सिमम क्या होता है, पी मैक्सिमम इक्वल्स टू ई इंटू बी अपॉन एक्स। तो एल कम हुआ तो रिलक्टेंस कम हुआ, रिलक्टेंस कम हुआ तो मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगी तो हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय यूज ऑफ होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर का भी मैंने बताया था, होलो कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं, होलो मतलब खोखला कंडक्टर, उसको यूज़ करके हम कोरोना इफेक्ट को दूर कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, होलो कंडक्टर में इफेक्टिव कंडक्टर का डायमीटर बढ़ जाता है। बट ये होलो जो कंडक्टर है वो अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ किया जाता है। तो कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग होलो कंडक्टर बिकॉज करंट डेंसिटी इज रिड्यूस। सेकेंड ऑप्शन है द एडी करंट इन द कंडक्टर इज एलिमिनेटेड। सी है फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज। नेक्स्ट है बेटर वेंटिलेशन इन कंडक्टर। तो होलो कंडक्टर का यूज़ करके हम कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाते हैं, उससे हमारी रेडियस कंडक्टर की बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा फॉर ए गिवन क्रॉस सेक्शन द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इन डिपेंड। जो कोरोना लॉसेज होती हैं जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन में, किस पर डिपेंड करती हैं? देखो सबसे पहले डिपेंड करती है वोल्टेज पर। अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कोरोना लॉस ज़्यादा होंगे, कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होगा। सप्लाई वोल्टेज कम होगा तो कोरोना इफेक्ट कम होगा। ब्लो 33 kV 333 kV से नीचे हमारा कोरोना इफेक्ट नहीं होता है। एक है सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर स्मूथ सरफेस है तो कोरोना इफेक्ट कम होगा। यदि कंडक्टर की सरफेस रफ है मतलब खुरदरा है तो कोरोना लॉस क्या होगा, अधिक होगा। कंडक्टरों के बीच की दूरी, यदि दो कंडक्टरों के बीच की दूरी कम है उनके डायमीटर के कंपेयर में, दो कंडक्टरों के बीच की दूरी उनके डायमीटर के कंपेयर में कम है तो कोरोना लॉस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितनी हम दूरी रखेंगे उतना ही हमारा ये लॉस कम होगा। ये जस्ट उसकी तरह है अपना, जो आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उसी की तरह है। अगर हमें कोरोना वायरस को हटाना है या कम करना है तो हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच की दूरी को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो करते हैं तो कोरोना वायरस से को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सेम उसी की तरह ही अपना कोरोना इफेक्ट है। कोरोना इफेक्ट को दूर करने के लिए दो कंडक्टरों के बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि उसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है, जो एयर होती है उसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है। ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो कोरोना इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। एक है एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। साफ मौसम होता है तो उसमें कोरोना कम होता है, लेकिन जैसे मौसम ख़राब होता है, आंधी तूफान बारिश सर्दी ह्यूमिडिटी वाले मौसम में कोरोना इफेक्ट अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन है कोरोना लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन डिपेंड। तो जो कोरोना लॉस है किस पर डिपेंड करती है, ए है डायमीटर ऑफ कंडक्टर, बी है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, सी है हाइट ऑफ द कंडक्टर, डी है नन ऑफ दीज। तो कोरोना इफेक्ट अभी मैंने इसके तुमको चार वो बताए थे कारण, किस किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर, सरफेस पर, कंडक्टर के बीच की दूरी पर और टेम्परेचर पर। तो इसका आंसर क्या होगा, डायमीटर ऑफ कंडक्टर। क्या होगा, डायमीटर। डायमीटर कम है तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा है तो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना विद स्मूथ एंड पॉलिश्ड कंडक्टर। अभी मैंने बताया था कि अगर सरफेस स्मूथ है तो कोरोना लॉस हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना विद ए स्मूथ एंड पॉलिश्ड कंडक्टर देयर विल बी नो ग्लो, नो कोरोना ग्लो, कोरोना ग्लो विल बी यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ लाइन। सी है देयर विल बी मिनिमम पावर लॉस, डी है हिसिंग साउंड विल बी मोर इंटेंस। तो अगर कंडक्टर हमारा स्मूथ है, पॉलिश्ड है,
तो कोरोना ग्लो विल बी यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ द लाइन, तो पूरे पे हमारा क्या होगा, एकदम यूनिफॉर्म होगा और कम होगा। नेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है कोरोना के बारे में। फर्स्ट है, कोरोना इज अ वोल्टेज इफेक्ट। बी है, कोरोना टेक्स प्ले ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। कोरोना इज अक्यूपेड विथ पावर लॉस। कोरोना अटेन्यूट लाइटिंग सर्ज। तो ऑप्शन कौन सा है कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये लेता है, ये गलत है। कोरोना एक वोल्टेज का इफेक्ट है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि अगर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिटवीन द टू कंडक्टर इज मोर देन द ब्रेक डाउन वोल्टेज देन कोरोना इनिशिएट। तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, पावर लॉस होती है और इसमें जो लाइटिंग सर्ज है वो अटेन्यूट, मतलब उसकी जो वेव फॉर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो ये बी ऑप्शन है, कोरोना टेक प्लेस ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये गलत है, नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर कोरोना अकर बिटवीन टू ट्रांसमिशन कंडक्टर व्हेन। कोरोना जो होता है दो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर बीच में कब होता है। फर्स्ट है, दे हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड है, दे आर क्लोजली स्पेस्ड। थर्ड है, कैरी डीसी पावर। और फोर्थ है डी, कि हाई पोटेंशियल भी होना चाहिए, क्लोजली भी होना चाहिए, कि जब जो ट्रांसमिशन लाइन है वो क्लोजली होती है, उनका जो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, वेरिएशन इन वोल्टेज एट डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका आंसर होगा डी, मतलब कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है और क्लोजली स्पेस्ड भी होते हैं कंडक्टर, तभी अपना कोरोना इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, कोरोना कैन बी रिड्यूस बाय, कोरोना को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। अभी मैंने बताए थे कैसे कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कि कंडक्टर के डायमीटर को इंक्रीज करके, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर को करके, पॉलिश्ड कंडक्टर का यूज़ करके, बंडल कंडक्टर का, होलो कंडक्टर का यूज़ करके हम कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ऑप्शन वाइज देखते हैं, इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग वोल्टेज, गलत है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कोरोना इफेक्ट बढ़ेगा। बी ऑप्शन है, रिड्यूस द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर, कंडक्टर के बीच की अगर दूरी को कम करेंगे तो कोरोना इफेक्ट बढ़ेगा, गलत है ये भी। इंक्रीजिंग द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर, अगर हम कंडक्टर का डायमीटर इंक्रीज करेंगे तो हमारा कोरोना इफेक्ट कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी है, इंक्रीजिंग द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट कोरोना द लीस्ट, सबसे कोरोना इफेक्ट पर सबसे कम किसका प्रभाव पड़ता है। मीन फ्री लेंथ का पड़ता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, नंबर ऑफ आयोन्स हैं, साइज एंड चार्ज पर आयोन। तो जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो इस पर लीस्ट, इन चारों के कंपैरिजन में कम पड़ता है, पड़ता तो है लेकिन इन चारों के कंपैरिजन में टेम्परेचर पर डिफरेंस कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज, कोरोना के इफेक्ट से क्या होता है, इंक्रीजिंग इंडक्टेंस, इंक्रीजिंग रिएक्टेंस, इंक्रीजिंग पावर लॉस और डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो कोरोना इफेक्ट की वजह से हमारा क्या होता है, ओनली पावर लॉस होता है, क्या होता है, ओनली पावर लॉस होता है। इंडक्टेंस रिएक्टेंस का पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मेनली किस पर पड़ता है, अपना पावर लॉस पर पड़ता है, पावर लॉस इंक्रीज हो जाती है कोरोना की वजह से, और इससे अपनी इफिशेंसी कम हो जाती है। द चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ कोरोना आर मैक्सिमम ड्यूरिंग, ये मैंने भी बताया था कि कोरोना के चांस ज़्यादा होने के कब होते हैं, हुमिड वेदर में, ड्राई वेदर में, विंटर्स में, हॉट समर में। तो हुमिड वेदर होता है उसमें कोरोना के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, कोरोना इफेक्ट ज़्यादा ही प्रभावशाली हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है हुमिड वेदर में। इन हुमिड वेदर कोरोना अकर एट वोल्टेज, जब हुमिड वेदर में क्या होता है कि वो मच लेस देन द नीडेड इन फेयर वेदर, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर है, कि कम वोल्टेज पर ही प्रोड्यूस हो जाता है। नॉर्मली क्या हो जाता है कि वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हुमिड वेदर में क्या होता है, मच लेस देन दैट नीडेड इन फेदर वेदर में हो जाता है, मतलब कम वोल्टेज पर ही ये कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है, द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट, कोरोना इफेक्ट के एडवांटेज क्या होते हैं। कोरोना इफेक्ट की वजह से जो कंडक्टर है उसका इफेक्टिव डायमीटर बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक लेयर कंडक्टर के चारों तरफ क्या करता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है,
लेयर, जैसे कि नॉर्मल में कंडक्टर होता है उस पर सर्दियों में क्या होता है आइस की लेयर जम जाती है, आइस की लेयर की जम जाएगी, बर्फ़ की लेयर जम जाएगी, तो उसका इफेक्टिव एरिया बढ़ जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से उसका इफेक्टिव एरिया भी बढ़ रहा है, तो इससे क्या एडवांटेज हुआ, ये क्या करता है वर्क एस अ सेफ्टी वाल्व फॉर सर्ज, जो सर्ज इफेक्ट आएगा उसके लिए एक सेफ्टी वाल्व की तरह भी काम करता है। ये इसका मेनली क्या एडवांटेज है। नेक्स्ट है, कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन केस, हमेशा कोरोना ट्रांसमिशन लाइन में ही प्रोड्यूस होता है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में ही कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता है, या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, डोमेस्टिक वायरिंग में, सर्विस मेंस में नहीं होता है, ओनली किस में होता है, ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है। अब प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओइंग टू कोरोना, ओजोन की वजह से क्या इफेक्ट हो जाता है, ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है जब कोरोना इफेक्ट आता है, हीसिंग नॉइज के साथ एक वॉयलेट ग्लो के साथ हमको एक ओजोन गैस दिखाई देती है, इससे जो हमारा जो कंडक्टर है वो क्या जाता है कोरोना, मतलब उसमें जंग लग जाती है, जंग लगने की पॉसिबिलिटी होती है। फर्स्ट है इम्प्रूव द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इम्प्रूव नहीं होता है, रिड्यूस द पावर लॉस, कोरोना की वजह से तो पावर लॉस इंक्रीज होता है, पावर फैक्टर कम होता है। इम्प्रूव रेगुलेशन, रेगुलेशन पुअर होती है, तो क्या होता है कोरोड्स द मटेरियल, ये मटेरियल को ख़राब कर देता है कोरोना इफेक्ट। नेक्स्ट है कोरोना इज अफेक्टेड बाय, कोरोना किससे अफेक्टेड होता है, मैंने भी बताया था कि कोरोना किस किस से अफेक्टेड होता है, साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज का होता है उस पर, टेम्परेचर का होता है, कंडक्टर की बीच की दूरी का होता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ, कोरोना इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, मैंने बताया ना शेप और सरफेस, अगर स्मूथ होगा तो कम होगा, रफ होगा तो कोरोना इफेक्ट ज़्यादा होगा। साइज, साइज का मतलब क्या है कि साइज बड़ा है कंडक्टर का, डायमीटर ज़्यादा है तो कम होगा, कंडक्टर का डायमीटर कम है तो ज़्यादा होगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज, अगर वोल्टेज हाई है तो कोरोना इफेक्ट होगा, अगर वोल्टेज कम है तो कोरोना इफेक्ट नहीं होगा, डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका मतलब है कि कोरोना इफेक्ट इन चारों पर, तीनों पर ही डिपेंड करता है, शेप, साइज एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड सरफेस कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना यूजली अकर व्हेन द इलेक्ट्रोस्टेटिक स्ट्रेस इन द एयर अराउंड द कंडक्टर एग्जिट द मैक्सिमम, ये आएगा 30 kb पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि एयर के अंदर एक सेंटीमीटर में 30 kb से अगर ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन, एयर आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, एयर ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसमें करंट फ्लो होने लगेगा, किस वोल्टेज से ऊपर, 30 kb पर सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में 30 kb तक ही फ्लो कर सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो एयर ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो इसका आंसर है 30 kb पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जो जो पावर लॉस का एक जो फॉर्मूला निकलता है कोरोना, कोरोना में, कोरोना इफेक्ट में, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्ट इसका डेरिवेशन है। कोरोना हैज़ डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, देखो कोरोना की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस विद नेबरहुड कम्युनिटी लाइन, कि जो पास में जो कम्युनिकेशन जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। इंट्रोड्यूस द हारमोनिक्स, तो ये क्या होता है, हारमोनिक्स प्रोड्यूस कर देता है, मेनली कौन सा करता है, थर्ड हारमोनिक कर देता है ट्रांसमिशन लाइन में, और ये पावर लॉस भी करता है, और डी है ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, कोरोना की वजह से इंटरफेरेंस होता है कम्युनिकेशन लाइन में, हारमोनिक्स क्रिएट होते हैं और पावर लॉस होती है। थैंक यू।